हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी काफ़ी कंफ्यूज रहते हो जब बात आती है ग्रिड्स की या फिर ग्रिड मेकर ऐप की। तो आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि कितने ग्रिड्स बनेंगे, किस साइज के पेपर पे कितने ग्रिड्स बनाने। सो आपको काफ़ी कंफ्यूजन होती है, काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा इस वीडियो में। इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। मेनली इसमें एक मैं ऐप के बारे में आपको बताऊँगा जिसमें कि आप किसी भी पेपर के साइज के अकॉर्डिंग अपने ग्रेड्स को क्रिएट कर सकते हो और काफ़ी हेल्पफुल ऐप है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सो कीप वॉचिंग। सो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो ऐप है ड्रॉ ईजी, ये आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। और इसके बाद आपको सिंपली ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आपको प्लस साइन पे क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शंस दिखेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सपोज़ आप ये जो इमेज एंड प्लस का साइन है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको पेपर साइज, जो भी आपका पेपर साइज है उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आप A4, A3, A1, A2 या फिर कस्टम आपका कोई स्पेशल साइज है आपने कट किया है तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे A4 सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे पोर्ट्रेट हम ड्रॉ करेंगे पोर्ट्रेट में, तो हमने पोर्ट्रेट सेलेक्ट किया। अगर आप लैंडस्केप में ड्रॉ करना चाहो तो आप लैंडस्केप कर सकते हो, सो मैं पोर्ट्रेट ही रखूँगा। और अगर आपने कस्टम ऊपर सेलेक्ट किया होता तो आपको यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी पड़ती विड्थ एंड हाइट, बट हमने कस्टम नहीं A4 रखा है। सो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, लेट्स ड्रॉ द ग्रिड करेंगे। और लेट्स ड्रॉ द ग्रिड करने पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे इमेज सेलेक्ट करने के। सो यहाँ से मैंने ये इमेज को सेलेक्ट कर लिया है और आप इसे जूम भी कर सकते हो अगर आपको छोटी ड्रॉ करनी है, बट मैं पूरा रखूँगा यहाँ पर। और इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे, और जितना आपको चाहिए आप उतनी ले सकते हो इमेज और फिर आप क्रॉप कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ ग्रिड्स दिखने लग गए होंगे, बट यहाँ जो बॉक्स का साइज है वो बाय डिफ़ॉल्ट 30 mm है, मींस 3 सेंटीमीटर है। सो आपको उसे अगर 2 सेंटीमीटर करना है या 1 करना है तो आप इस पेंसिल का जो सिंबल यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ आप देख सकते हो सेल साइज लिखा हुआ है। सो ये जो सेल साइज होता है ये mm में दिया हुआ है, तो 30 mm है यहाँ पे, तो हमें 20 चाहिए तो हम यहाँ पे 20 कर देंगे। आप यहाँ 10 भी कर सकते हो, सो मैंने 20 mm कर दिया है। और उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, अगर आप ब्लैक एंड वाइट करना चाहते हो आप वो कर सकते हो, लेबल्स या फिर डायगोनल का यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे उनका यूज़ नहीं करूँगा और ओके कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर में 20 mm के बॉक्सेस बन गए हैं, और ये बिल्कुल स्क्वायर बॉक्स है। और आप देख सकते हो लास्ट वाला जो बॉक्स है वो थोड़ा सा कम है, सो ये खुद ब खुद आपकी एडजस्ट कर देता है जो रेफरेंस है उसे प्रॉपर कितने ग्रिड्स बनेंगे A4 में A3, और इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाती है। सब आप सिंपली इस इमेज को यूज़ करके अपनी रेफरेंस को ड्रॉ कर सकते हो। A4 साइज़ के लिए ये मैंने क्रिएट की है। सो इसी तरह से आप A3 या फिर अपने किसी पर्टिकुलर साइज़ का अगर आपका पेपर है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी वो क्रिएट कर सकते हो। सो सपोज़ आपने ये ग्रिड्स क्रिएट कर लिए और आपने ड्रॉ भी कर लिए इमेज, तो आपको इसमें एक स्पेशल फ़ीचर भी मिलता है जिसकी हेल्प से आप कंपेयर भी कर सकते हो कि आपकी जो इमेज है वो सही बनी है या नहीं। उसके लिए आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है मिरर जैसा, इस पे आपको क्लिक करना है। सो इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको कैमरे का एक ऑप्शन आ जाएगा। सो आप सपोज़ ये आपकी ड्राइंग है तो आप इसे ऊपर करके चेक भी कर सकते हो कि आपका ये सेट हो रहा है या नहीं। अगर आपको लगे कि कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप वो भी चेक कर सकते हो इस तरह से। सो इस तरह से आप रेफरेंस से और ड्राइंग दोनों को कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ से आप ऑक्यूपेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो ये आपकी जो रेफरेंस वो डार्क हो जाएगी, और मिड पे आप रखें इसे 120 के आसपास, और फिर आप आराम से इस तरह से कंपेयर भी कर सकते हो। उसके बाद आप बैक की को दबा के बैक में जा सकते हो। सो ये दो फीचर्स आपने देख लिए, और इसके अलावा एक लॉक का फीचर आपको दिख रहा है। तो अगर आप ऐसे जूम करोगे तो ये जूम हो जाएगा, आपको सपोज ड्रॉ करना है जूम करके तो आप जूम कर सकते हो, बट अगर आप चाहते हो जूम ना हो तो आप यहाँ लॉक को दाब दोगे तो ये फिर जूम नहीं होगा। सो ये इसके लिए है। सो यहाँ पे अगेन हम इस पर क्लिक कर देते हैं जिससे ये जूम हो सके। और इसके अलावा आप लाइन की थिकनेस वगैरह को भी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ से लाइन 1 है तो आप 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, जो भी आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग। सो ये कुछ फीचर्स थे इस ऐप में, और इस यहाँ से आप इसे सेव कर सकते हो इमेज को, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी एंड फिर आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। सो ये सारे फीचर्स हैं इस पर। और इसके अलावा आपको एक और फीचर दिख रहा होगा जो कि स्टैम्प लिखा हुआ है। सो इसमें हम क्या करते हैं कि सपोज़ आपने ये ड्रॉ कर लिए बट आप चाहते हो कि फेस में मैं 1 सेंटीमीटर के ग्रिड्स का यूज़ करूँ, तो आप स्टैम्प पर क्लिक करोगे और फिर जो पेंसिल वाला निशान है यहाँ क्लिक करके आप जो सेल साइज़ है इसे 10 कर दोगे। सो आप जब 10 कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आप पूरे 1 सेंटीमीटर के जो बॉक्सेस है वो आ गए हैं
एंड आपको उसके बाद क्या करना है, जो ऑक्यूपेंसी है उसे आप कम कर दोगे, ट्रांसपेरेंसी को अगर आप कम कर दोगे तो आपको कुछ इस तरह से बॉक्सेस दिखेंगे, लाइक जो छोटे बॉक्स है उसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई है और जो पहले वाले बड़े बॉक्स थे वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। सो इस तरह से आप छोटे छोटे डिटेल्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं। यही है स्टैम्प फीचर का यूज़। सो इसे हम काफ़ी कम यूज़ करते हैं जनरली, सो इसे आप लीव भी कर सकते हो। सो मेनली आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हम ग्रिड्स को ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पेपर पे। एंड सपोज़ आपको A3 पे ड्रॉ करना है तो आपको सिंपली यहाँ से इमेज सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको A3 कर देना है A3 साइज के लिए और लेट्स ड्रॉ ग्रिड करना आपको, और उसके बाद आपकी जो भी रेफरेंस है वो आपको सेलेक्ट करनी है और उसे आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जूम भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे रखता हूँ और इसके बाद आपको ओके कर देना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 3 सेंटीमीटर के बॉक्स होंगे तो आप उसे 20 कर सकते हो, मीन्स 2 सेंटीमीटर 20 mm, और उसके बाद आपको ओके कर देना। तो ये आपका A3 साइज के लिए बन गया है आपका पूरा का पूरा जो इंटरफेस है। सो इसे आप सेव करके फिर यूज़ कर सकते हो। सो फ्रेंड्स यही था इस वीडियो में, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इस ऐप से, आप इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।